हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोर विद अंकित। और आज दोबारा से आपका भाई एक नई वीडियो ले आया अपनी डोमिनार के लिए। और आज हम करने वाले हैं वाइब्रेशन टेस्ट हमारे भाई नितेश राणा, स्पेशली उस बंदे के लिए मैं कर रहा हूँ ये वाइब्रेशन टेस्ट। बहुत दिनों से भाई के कमेंट्स आ रहे हैं, हर वीडियो पे कमेंट्स आते हैं कि भाई 3500 to 5000 RPM के बीच में ये थोड़ा सा वाइब्रेट करती है। सो लेट्स चेक इट आउट। पहले हम लोग करेंगे एक पानी का ग्लास रख के, और उसके बाद हम लोग राइड करते हुए इसका पूरा बताएंगे कि कितना वाइब्रेट कर रही है, कितना नहीं कर रही है। सो स्टे ट्यून्ड, पूरी वीडियो को देखना और जितना प्यार दे सकते हो दे देना है इस वीडियो में। आज की वीडियो में भाई प्रिंस मेरे साथ ही मेरा हेल्प करने वाला है इस पूरी वीडियो में। तो ये हमने रख दिया एक पानी का ग्लास, और ये खड़ी है पूरी अपनी डोमिनार। भाई इसको एक तो प्रॉब्लम ये हुई है कि इसका डबल स्टैंड नहीं है, तो सिंगल स्टैंड पे ईंट के ऊपर मैंने खड़ी करी है। सो इसमें थोड़ा सा मुश्किल रहता है भाई वाइब्रेशन टेस्ट देना, बट अभी मीटर ऑन कर दिया है, भाई इसका वाइब्रेशन टेस्ट करेगा। भाई स्टार्ट करो। भाई देखो अभी स्टार्ट हो गई है, और स्टार्ट होने के बाद ग्लास थोड़ा बहुत हिल रहा है। 5000 करना। तो अभी मैंने बाइक स्टार्ट करी और इसको मैं 5000 RPM से भी ऊपर लेके गया, बट आपने ग्लास देखा कि ग्लास बिल्कुल भी नहीं हिला है। और अब यहाँ पे लगा लो सेकंड वाइज इसको मैं ऊपर करता रहूँगा, मतलब 2000, 3000, 5000, 7000 RPM, 10000 RPM तक भी मैं इसको लेके जाऊँगा, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्लास कितना हिल रहा है। जबकि आप बाइक देखिए इधर की साइड लीन हो रखी है, तो लीन होने के बाद भी आप देखो कि ग्लास बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हुआ है, एंड बहुत सही है भाई। तो जो लोग बोलते हैं कि इसमें वाइब्रेशन है, तो भाई वो बहुत गलत बोल रहे हैं। बट अभी मैं और दिखा देता हूँ। और ये तो था भाई फिलियन राइडर के लिए कि कितना ग्लास हिल रहा है, तो भाई बिल्कुल भी ग्लास नहीं हिला है, वाइब्रेशन नहीं है। 10000 RPM तक मैं इसको लेके गया हूँ, बट देयर वॉज नो वाइब्रेशन एट ऑल। तो राइडर के लिए सीट है, उस पर मैं दिखाता हूँ कि कितना वाइब्रेशन फील होता है राइडर। तो भाई मैंने बाइक स्टार्ट करके आपको पूरा इसका अच्छे से दिखा दिया कि ग्लास कितना हिल रहा है, कितना नहीं हिल रहा। भाई बिल्कुल स्टिल ग्लास है, जबकि बाइक थोड़ी सी लीन हो रखी है उधर की साइड। उसके बाद भी देयर वाज नो वाइब्रेशन एट ऑल। और अभी जो है मैं और फ्रेंड्स हम लोग जाने वाले हैं इस बाइक को राइड करने, और राइड कम्फर्ट फिर मैं आपको बताऊँगा भाई को कितनी वाइब्रेशन फील होती है, मुझे कितनी वाइब्रेशन फील होती है। सो लेट्स गो फॉर नाउ। और इसका पहले शीशा टाइट कर लेते हैं भाई, ये बार बार ना हिल रहा है, ताकि आपको वाइब्रेशन का अच्छे से पता लग सके कि हाँ भाई शीशा भी कितना हिलता है भाई। तो अब लगा दिया मैंने इसका पहला गियर, और पहले गियर पे पूरा आपको वाइब्रेशन टेस्ट दिखाऊंगा, पूरा RPM लेके जाके। और भाई शीशों से भी देख लेना इसका वाइब्रेशन, और यहाँ से भी देख लेना। और 5000 RPM भाई, 6000 RPM कोई वाइब्रेशन नहीं। भाई से भी पूछवाऊंगा, कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा। पहले गियर पे 31, 32, और ये दिख भी रहा है कितनी जा रही है भाई, 35-40 चली जाती है पहले गियर पे। और ये दूसरे गियर पे मैं वाइब्रेशन टेस्ट दिखा रहा हूँ, और वाकई भाई कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा मेरे को, ना 6000 RPM ना 7000 RPM, कहीं पे कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है मुझे। और ज़्यादा ले जाते हैं थोड़ा, ये लो भाई कोई वाइब्रेशन फील नहीं है 8000 RPM तक। थोड़ा वाइब्रेशन फील होता है, तो मेरे ख्याल 8000 से ऊपर जा रहा था, तो हल्का सा मेरे को लगा था नीचे। तो भाई मैंने भी देखा कि मुझे भाई बिल्कुल हल्का सा भी कोई वाइब्रेशन फील नहीं हुआ, और मैं इसको पहले गियर पे 8000 RPM तक लेके गया था, लेकिन 8000 के ऊपर अगर मैं लेके जा रहा था तो आप ये बोल सकते हो कि मेरे को हल्का वाइब्रेशन फील हो रहा था, अदरवाइज देयर वाज नो वाइब्रेशन इन माय बाइक। इन थोड़ी सी हीटिंग प्रॉब्लम है, जो इंजन इसकी हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो थोड़ी पैरों पे आगे लग रही है, तो हरी बाइक में लगती है यार। और पिलियन राइडर से भी मैं पूछ के बताऊंगा कि भाई को कैसा फील हुआ है बैठने के बाद, ज़्यादा वाइब्रेशन फील हुआ या नहीं हुआ पिलियन सीट पर। तो भाई ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ ना भाई, ये सिर्फ मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए मैं बना रहा हूँ,
ना मेरा कोई बजाज से लिंक है, ना मेरा किसी चीज़ से कोई लिंक है, मुझे कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। जो मुझे एक्चुअल चीज़ फील होती है वो मैं आप लोग को बताता हूँ, और भाई जितना रॉ से रॉ कंटेंट हो सकता है ना मैं वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और भाई कुछ इसमें अच्छी बुरी बात लगी हो तो वो भी मेरे को बता देना। और भाई छोटे यूट्यूबर है, हमें कोई बेनिफिट मिल रहा हो वीडियो बनाने से या हमें कुछ मिल रहा हो, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस। जो भाई देख रहा है कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है भाई। तो भाई अब एक काम करता हूँ मैं, अब मैं आप लोग को इसका मतलब 100-120 जो एक्चुअल क्रूजिंग स्पीड होती है लोगों की, वो मैं एक्चुअल क्रूजिंग स्पीड पे इसको चलाऊंगा। अब मैं आपको भाई का रिव्यू देता हूँ, भाई क्या बोलता है, और भाई को चलाने के लिए भी दिखाता हूँ बाइक। तो भाई से हर रिव्यू लेंगे, भाई चला के भी बताएगा। तो बाइक यहाँ पर मैंने रोक दी, अब द राइडर हैज चेंज्ड, और प्रिंस भाई अब इसको राइड करेगा एंड ही विल टेल यू कि भाई कितना इसको वाइब्रेशन फील हुआ है ऑन राइडिंग सीट, राइडर सीट। मेरे को कोई वाइब्रेशन अभी तक फील नहीं हो रहा है, वाकई नो वाइब्रेशन एट ऑल। भाई नो वाइब्रेशन, 100 टच कर दिया है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, 100 प्लस भी चली गई है, बट स्टिल नो वाइब्रेशन एट ऑल, कोई वाइब्रेशन फील नहीं हुआ भाई। 100 से ऊपर भी हम लोग लेके चले गए इसको भाई, फाइनली राइड करके आ गए हैं, और भाई एक्चुअल में मेरे को कुछ भी फील नहीं हुआ है, कोई वाइब्रेशन फील नहीं। मैंने पीछे भी बैठ के देखा और आगे, भाई से भी चलाई है, मैंने भी चलाई है, सो देयर वॉज नो वाइब्रेशन एट ऑल। और भाई जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ आप लोग के लिए बना रहा हूँ, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ना मुझे कोई यूट्यूब से पैसा आता है, ना मेरा बजाज से कोई लिंक है, ना मेरे को कोई स्पॉन्सर मिला हुआ है। सो नाउ लेट्स ask the review, let's take the review of Prince भाई। तेरे को कोई वाइब्रेशन लगी हो? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बाइक है अपनी, मेरे पास बल्कि RS थी, वो बल्कि इतनी अच्छी नहीं चलती थी, इतनी अच्छी है चलती है। तेरे ऐसा पिलियन राइडर, what will you say, कैसा वाइब्रेशन, मतलब कितना फील हुआ? कुछ ज्यादा कुछ लगा, अगर बंदा कोई बैठता है तो वो बल्कि तंग हो जाता है, इसके पीछे बल्कि अच्छा था। आगे जब तूने चलाई तब तेरे को फील हुई? नहीं, कोई वाइब्रेशन फील नहीं हुई, सो थैंक यू भाई। तो भाई अभी भाई का मैंने रिव्यू लिया, भाई को भी कोई वाइब्रेशन नहीं फील हुई, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर, सो प्लीज सब्सक्राइब, डू हिट द लाइक बटन, लव यू ऑल। In a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there.